Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Yo, what's up, people? Welcome back to another video. So, आज हम जा रहे हैं पुणे, और ये राइड थोड़ी इमोशनल राइड है. इमोशनल राइड इन द सेंस 8-9 महीने के बाद मैं पुणे जा रहा हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद. और इमोशनल इसलिए क्योंकि मैं घर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है, फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, नए चैप्टर की तरफ अब रुख मोड़ रहा है तो हमें जाना पड़ेगा. तो बुरा लग रहा है, शायद ये लास्ट शूट होगा, मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कब स्टार्ट करूँगा घर से व्लॉग पता नहीं, लेकिन ये वाला कर रहा हूँ. होप जल्दी स्टार्ट करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा वापस आने का. जल्दी मिला तो काफ़ी अच्छी बात है, जल्दी आ जाएंगे. मिलता है जैसे जैसे टाइम मिलता है, हम वापस घर आएंगे, घर से व्लॉग चालू करेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है घर से व्लॉग चालू कर सकते हैं वैसा, तो देखते हैं. हो गया है, हमने बैग बांध लिए, ग्लव्स पहन लेंगे, हेलमेट पहन लेंगे और निकलेंगे. और थोड़ा लेट हो गया, 7 बजे निकलना था, लेकिन 7:30 हो रहा है. नो प्रॉब्लम, निकल जाते हैं. अभी टाइम हम थोड़ा नहीं कर रहे हैं, पंचुअलिटी नहीं है हमें टाइम की, नॉनसेंस, तो भी निकलते. तो अब हमारा कैमरामैन जयेश भी नहीं रहेगा, बुरा लग रहा है मुझे अभी, मेरे प्रो प्रो वीडियो नहीं निकलेगा वो. तो लाल गुड बाय जयेश को भी, बाय बाय सबको, बाय बाय टाटा बोल, टाटा फ्रेंड को भी बाय बाय, जमा जाओ. सुबह निकला था मैं कुछ 7:30 अराउंड घर से, तो अभी 9 हो रहे, तो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी पहुंचा. और बदलापुर हाईवे से आया तो रश इतनी नहीं थी, तो जो मैं नॉर्मली दूसरा हाईवे लेता हूं तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी फिक हो जाती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन दिस वॉज बेस्ट, आराम से आ गया, थोड़ा रास्ता थोड़ा काम चल रहा था, लेकिन बाकी सब ठीक. तो ज़्यादा हॉल्ट नहीं लूँगा, सोच रहा हूँ ले लूँ, लेकिन सोलो राइड है, थोड़ा बैठ के अभी नाश्ता भी नहीं किया, अभी जाऊंगा कहीं कुछ खाऊंगा और फिर कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग. था एक्चुअली कुछ अच्छी जगह, मैं सोचा कोई ढाबा वाबा, लेकिन मैं ढूंढते ढूंढते इतने आगे आ गया, ये क्या बताऊँ, अभी बहुत आगे आ गया मैं. और फिर ये वाला लास्ट है, इसके बाद लोनावला है ये, इसके बाद आगे कुछ होटल वोटल कुछ नहीं मिलेगा मुझे. तो अभी मैं सोचा थोड़ा पोहा ही खा लेता हूँ, नेक्स्ट क्या ही कर सकता हूँ मैं. एक्चुअली पीछे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ये थे, रह गया क्योंकि वहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए मैं बोला नहीं यार भीड़ में नहीं घुसते थोड़ा, लेकिन अभी लग रहा है घुस जाना चाहिए था.
थोड़ा कुछ अच्छा मिल जाता खाने। राइड पे जब भी आते हो ना तो प्रॉब्लम ये होता है खाने का, राइट, क्योंकि पता नहीं है कौन सा क्या अच्छा है, तो हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। कभी मैं खा लेता हूँ, फिर निकलते हैं राइड पे। अगला स्टॉप होगा पूना, मैं नॉन स्टॉप चले जाएंगे। लोनावला में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा, और ये पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि सीन सब इतने अच्छे होते हैं कि जा रहा हूँ, रुकना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं, तो इसलिए हो जाता है थोड़ा सा लेट, नेवर माइंड। सो पहुंच गया हूँ मैं, और आते साथ ही मैं पहले सो गया, क्योंकि रात में भी मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी, और फिर आया और सो गया। अभी जाऊंगा थोड़ा नहाऊंगा धोऊंगा, बिना नहाए धोई आके ही सो गया, क्योंकि इतना थक गया था, क्योंकि बीच में बारिश चालू हो गई थी और थोड़ा रिस्ट मेरा दुखने लग गया था, कि प्रेशर गिर रहा था बहुत सारा, क्योंकि बैग भी बीच में थोड़ा बारिश गिर रही थी, इसलिए मुझे लेके थोड़ा कवर विवर चढ़ाना पड़ा उस पर। और 3 घंटे का रास्ता 4.5 घंटे कैसे हुआ, बारिश के वजह से हुआ। तो बस अभी जाऊंगा फ्रेश अप होऊंगा और फिर निकलूंगा बाहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।